जिसका आपको इंतज़ार था, तो वो आज इंतज़ार आपका ख़त्म। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएमसी की रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पड़ेगा, आप फ्री में अपनी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, कुछ ही देर में हो गया है। और आपको कुछ नहीं करना, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि मैं अपना टाइम निकाल कर कैसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आपको जाना है सर्च बार में, ठीक है। तो सर्च बार में आपको वेबसाइट सर्च कर लेनी है जो कि पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे आप डायरेक्टली यूआरएल किसी लिंक से भी जा सकते हैं, मगर मैं आपको यही कहूँगा कि आप पीएमसी सर्च कर लीजिएगा सिर्फ। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने pmc.government.pk की वेबसाइट होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामने, जैसे कि फर्स्ट में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसमें आपको बताया जा रहा है कि चेक योर एमडीकेट 2022 रिज़ल्ट, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो नीचे यहाँ से और भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप अपनी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं एमडीकेट 2022 फाइनल रिजल्ट्स आर नाउ अवेलेबल, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आज कुछ है, क्योंकि आज ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि आज पूरा कंट्री अपनी रिज़ल्ट चेक करना होगा, इसलिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपकी जितनी इंटरनेट तेज़ हो, मगर आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ी देर लगाएगा, इसलिए कि आज पूरा मुल्क जो है उसकी आवाम, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिज़ल्ट चेक कर रहे होंगे, तो इसलिए आपकी इनकी वेबसाइट का सर्वर जो है वो डाउन थोड़ा ज़रूर होगा, ठीक है। तो आपको MDK 2022 सर्च योर रिज़ल्ट, जो ये आप देख सकते हैं सेक्शन पड़ा है, इसके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगा कि इनपुट के आप यहाँ पर अपनी जो भी CNIC है उसकी CNIC नंबर जो है वो पुट कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें जो डैशेज हैं, यानी कि जो भी बीच में जो हाइफन्स होती हैं, वो आपको काट लेनी है ताकि आपकी रिज़ल्ट सही आपको मिल सके, ठीक है। तो मैं किसी अपने दोस्त का है वो CNIC नंबर पुट कर लेता हूँ। आप अपना जो भी दोस्त है या अपनी रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप अपना CNIC पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी दोस्त का CNIC है वो पुट कर लेता हूँ। और उसमें आपको ख्याल करना है कि ये हाइफन्स हैं, जो कहीं भी हो तो इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाइफन जो है वो कट कर लिए और नंबर ये सही तरीके से पुट कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। और देन आपको क्या करना है, सिंपली जो नीचे सर्च का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद ये लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने देख सकते हैं MDK 2022 रिज़ल्ट डिटेल्स। नीचे आपको स्टूडेंट डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम बताया जाएगा, स्टूडेंट का CNIC नंबर, और रिज़ल्ट में आपको बताया जाएगा कि ऑप्टेंड मार्क्स कितनी है। जैसे कि इसकी ऑप्टेंड मार्क है 103, और इसको बताया जा रहा है कि आपकी रिज़ल्ट जो स्टेटस है वो उसमें बताया जा रहा है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप इस बच्चे को बताया जा रहा है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BDS ओनली। अगर आप दूसरे की सर्च करना चाहते हैं तो सर्च अगेन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर ये इसका किसी और को अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर आपको पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो कोई और ब्राउज़र है, वीवो ब्राउज़र है, या ओपेरा मनी ब्राउज़र है, या कोई और भी ब्राउज़र है, तो उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई इशू पेश आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और मैं आपकी यकीनन हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा और जितना पहुँच सका उतनी हेल्प करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।